आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं मोबाइल के थ्रू एक पोर्ट्रेट, और ये है रेफरेंस हमारा जो हमने लिया है इंडियन क्रिकेट टीम से रोहित शर्मा जी को। और यहाँ पे कैसे हमें इसे ड्रॉ करना है वो टेक्निक देखिए, और मुझे लगता है आप समझ जाओगे कि क्या मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होती, थोड़ी सी इंक्लाइंड है, क्योंकि जो फेस है वो एकदम सीधा नहीं देखेगा, थोड़ा सा टिल्टेड है। देखोगे तो जो राइट वाली आई है इनकी वो थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट वाली आई थोड़ी ऊपर उठी हुई है। तो वो लाइन जो है मैंने उसी अकॉर्डिंगली ड्रॉ की है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है वो लाइन, और उसी के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है। तो अब ये दो लाइन्स ही हमें हेल्प करेंगी पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ करने में। ये आउटलाइन ड्रॉ करने में मुझे मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगे, और जनरली जब मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो मैं इसी तरह से पिक्सआर्ट ऐप को अगर आप ओपन करना चाहो, बहुत आसान करना चाहे अगर कोई बिगनर, तो ये तरीका है जो मैंने पहले ही बताया आपको। दो लाइन आप वैसी ही ड्रॉ कर लो अपने रेफरेंस इमेज पे, जो पिक्सआर्ट ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। फिर जो वर्टिकल लाइन है उसको मैंने मोबाइल की एक एज पे रखा है, वहाँ से मैं आई की जो डिस्टेंस है उसको मेजर कर रहा हूँ और यहाँ पे उसको प्लॉट कर रहा हूँ। तो देखो, जो लोग ग्रिड मेथड से ड्रॉ करते हैं वो लोग इसको ज़रूर ट्राई करके देखना, और मुझे लगता है कि ये उन सभी लोगों के लिए जो लोग अभी आउटलाइन में फंस रहे हैं, ये टेक्निक डेफिनेटली हेल्प करेगी उनको। और मुझे ये भी पूरा यकीन है कि वो जब इस टेक्निक को यूज़ करने लग जाएंगे, जब यूज्ड हो जाएंगे, तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगता है आउटलाइन ड्रॉ करने में दोस्तों। और ये बहुत ही कमाल की एक टेक्निक है, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी लोगों को बिगनर्स को खासकर जो सिखाया है वो इसी टेक्निक की मदद से सिखाने की कोशिश की है, और मुझे लगता है काफ़ी हद तक लोगों ने इसी टेक्निक को सबसे ज़्यादा आसान टेक्निक पाया है। अगर बात करूँ और टेक्निक्स की, जैसे ग्रिड मेथड है, ग्रिड मेथड डेफिनेटली आसान है, लेकिन जो उसका मैथमेटिक्स है ना पूरा, वो जो ग्रिड ड्रॉ करने हैं आपको, दैट इज़ एक्चुअली मच ऑफ टाइम टेकिंग थिंग, बहुत सारा टाइम जाता है उसमें, और फिर उसके बाद भी लोग ग्रिड को नहीं समझ पाते, इतना ईजी ना होने की वजह से नहीं समझ पाते। और हर बार आप सोचो आपको एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने को दिया जाए तो आप ग्रिड ड्रॉ करने पहले बैठ जाओ, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक आर्टिस्ट का तरीका तो नहीं लगता। रादर देन जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स है, जैसे कि ये हो गई पेंसिल मेजरमेंट हो गया, या फिर ल्यूमिस मेथड हो गया, ये सारी टेक्निक्स एक आर्टिस्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, और मुझे लगता है किसी भी आर्टिस्ट को ये टेक्निक ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। डेफिनेटली ग्रिड मेथड का अपना एक सिग्निफिकेंट रोल है, जहाँ पे कमीशन आर्टवर्क की ज़रूरत होती है और आपको बहुत सारी ड्राइंग्स ड्रॉ करनी होती हैं, तो वहाँ पे, और जहाँ पे आपको ये टेक्निक सीखनी या समझनी नहीं है या किसी को सिखाना है समझाना नहीं है, वहाँ पे आप ग्रिड मेथड को डेफिनेटली ट्राई करो और बिल्कुल बनाओ आप उसे पोर्ट्रेट। ऐसा कोई ऑप्शन वो नहीं है कि कोई ऑब्जेक्शन होता है, हाँ, लेकिन ये जो टेक्निक है मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है तो मैं इसी से ड्रॉ करता हूँ। देखो, फिर मैंने वैसे ही वर्टिकली जो आईब्रोज हैं उसको भी उसी हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर लिया। तो दो मेजरमेंट्स हमने लिए हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वर्टिकल लाइन के थ्रू। अब हम वर्टिकल डायमेंशन में जा रहे हैं तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को रेफरेंस मान रहे हैं। इसको ट्राई करके देखो दोस्तों, और ट्राई करके आप कमेंट करो ज़रूर से कि ये तरीका क्या आपके लिए सूटेबल है, और अगर आपको लगता है ये सूटेबल है तो प्लीज़ इस चैनल को, अगर आपको लगता है वाकई कि ये आपकी ड्राइंग में एक इन्हेंसमेंट करता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, क्योंकि आपके लिए ही, आपको समझाने के लिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं। तो अब देखो, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही जो हेयर हैं, जहाँ से कान के पास से जो स्टार्ट हो रहे हैं, वहाँ पे मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, और सिमिलरली जो ईयर हैं उसको भी मैं वहीं से मेजर कर रहा हूँ। तो आपने जैसे, आप देखो ये इमेज बड़ी खुली है, अब मोबाइल पे यही रिस्ट्रिक्शन होता है, पूरी इमेज एक बार में नहीं दिखेगी आपको। अगर आपके पास आईपैड या फिर कोई एक टैबलेट है तो वो ज़्यादा आसान है, या लैपटॉप है तो और ज़्यादा आसान है, या फिर आपने प्रिंट आउट लिया हुआ है तो वो और अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप खाली मोबाइल से ही कर रहे हो तो फिर आपको रेफरेंसेस चेंज करने पड़ेंगे। अब देखो, सिमिलरली जैसे मैंने इनकी लेफ्ट आई को ड्रॉ किया था, वैसे ही अब मैं इनकी राइट आई को भी सिमिलर तरीके से, जो वर्टिकल लाइन है उसको मैंने कॉर्नर पे रखा और वहाँ से मैंने लाइन को ड्रॉ किया, फिर वेरीफाई करने के लिए दोनों आई के बीच की डिस्टेंस को भी मेजर कर लिया। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि ड्रॉ करने में आपको जूम इन जूम आउट करने में, हो सकता है इमेज छोटी या बड़ी हो गई हो, तो क्रॉस चेक करते हुए चलना बहुत ज़रूरी है, और जितना ज़्यादा क्रॉस वेरीफाई करोगे, पेंसिल मेजरमेंट में यही है, टाइम लेके बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करो। 20 मिनट 21 मिनट लग जाएंगे आउटलाइन ड्रॉ करने में, लेकिन एक अच्छी आउटलाइन ड्रॉ हो जाएगी डेफिनेटली। अब यहाँ पे भी सिमिलरली मैं वही कर रहा हूँ, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल डायमेंशन में इनके आईब्रो को ड्रॉ किया, और अभी ये आउटलाइन है केवल,
तो हो सकता है फीचर्स उतने ज़्यादा ना मैच करें, लेकिन जब आप इसको फिनिश करने पे आओगे ना, जब आप बेसिकली शेडिंग करने पे आओगे, तो आप डेफिनेटली मैच करा ले जाओगे। अब सिमिलरली उसी तरीके से मैंने उस हॉरिजॉन्टल लाइन को फ़ोन के ऊपर वाले एज पे रखा और वहाँ से नोज़ को मेजर कर लिया कि नोज़ कितनी नीचे है, और यहाँ पे मैंने नोज़ को प्लॉट कर लिया। और फिर सिमिलरली नोज़ की विड्थ को भी दोनों डायरेक्शन में उस वर्टिकल लाइन से मेजर करते हुए दोनों तरफ प्लॉट कर लिया। बहुत ही आसान, बेसिक, और मतलब एक डेफिनेटली एक बच्चा भी ड्रॉ कर ले जाए, ये वो टेक्निक है। ये वो टेक्निक नहीं है जो कि केवल एक एक्सपर्ट इससे ड्रॉ कर पाए, ये वो बेसिकली टेक्निक है जिससे कोई एक छोटा सा बच्चा, अगर आप उसको भी सिखाना चाहो ना, तो वो मेहनत करके एक बार दो बार डेफिनेटली ट्राई करेगा, गलत आएगा, लेकिन वो उसको ड्रॉ ज़रूर कर ले जाएगा। फिर देखो सिमिलरली उसी तरह से लिप्स को भी ड्रॉ किया, फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब जब एक बार आपको सेट पैरामीटर पता चल जाते हैं कि क्या करना है, मतलब स्टेप बाय स्टेप टेक्निक पता चल जाती है, तो आप फिर वही टेक्निक बार बार यूज़ करते हो। अभी देखो आइज़, नोज़, लिप्स आपने ड्रॉ कर लिए, फिर आप बाकी जो आउटलाइन है फेस की उसके ऊपर आते हो। अभी देखो फिर वैसे ही मैं लोअर लिप को भी वहीं से मेजर करके ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो दो लाइनें हैं सोचो यही प्ले कर रही हैं रोल आउटलाइन को ड्रॉ करने का, और कोई तरीका नहीं यहाँ यूज़ किया गया है। केवल वो दो लाइन्स जो हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, वही सारा का सारा रोल प्ले करती हैं आउटलाइन को ड्रॉ करने के लिए। और मुझे मालूम है कि ज़्यादातर लोग जो हैं पोर्ट्रेट ड्राइंग केवल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो आउटलाइन है फीचर्स की वो मैच नहीं करती हैं। और जितने भी इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आते हैं उसमें ज़्यादातर यही लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे होते हैं कि हमारी आउटलाइन ही नहीं बनती, तो फिर आगे की शेडिंग वगैरह को कैसे समझा जाए। तो ये मैंने अभी ऐसा ही एक सीरीज़ करने की कोशिश किया है जिसमें हम डिफरेंट फेसेस को, जैसे आज मैंने इनको लिया है, कल को किसी और एक सेलिब्रिटी को या किसी भी नॉन फिगर को लेकर के उनकी भी एक चैप्टर में आउटलाइन ड्रॉ करेंगे, फिर अगले चैप्टर में उसकी डिटेल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टेक्निक्स को ऑप्ट करेंगे। लेट्स से जैसे इसमें क्रॉस हैचिंग अगर कर रहे हैं तो किसी में स्मूथ शेडिंग करेंगे, किसी में फिर हम वर्टिकल हैचेस को यूज़ कर लेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम आउटलाइन के थ्रू पोर्ट्रेट कैसे बनाना है अगर एक बिगिनर को ड्रॉ करना है तो वो कर सकते हैं। और सिमिलरली देखो इसी तरह से मैंने दोनों साइड के जो चिन लाइन है, जो चीक्स हैं, उसको भी मैंने उसी वर्टिकल लाइन से ड्रॉ किया है। और ये जब आप ड्रॉ करने लगोगे तो आप देखोगे कि इनिशियली आपको फीचर्स उतने ज़्यादा मैच होते हुए नहीं दिखेंगे जब आप खाली आउटलाइन ड्रॉ करोगे तो। ये ग्रिड मेथड में भी होता है या किसी भी आउटलाइन ड्राइंग टेक्निक में होता है, लेकिन जब आप इसको फिनिश करने लगते हो, शेड करने लगते हो, तो आपको एक्चुअल में फीचर्स निकल के आने, समझ में आने लगते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना हेल्पफुल है, और इसमें क्या क्या बेसिकली चेंजेस किए जाएँ कि आपको आसानी से समझ में आए। जैसे कि ये किसी ने सजेशन दिया है कि आप छोटी इमेज को बड़ी इमेज में ड्रॉ करके दिखाओ बड़ी स्केल पे, तो वो भी करने वाले हैं जल्दी, उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और A3 साइज पे करके एक छोटी सी पासपोर्ट साइज इमेज को कैसे कर सकते हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। वो भी बेस्ट तरीका ये, उसकी फ़ोटो लो और फ़ोटो को फिर बड़ा करके अपने मोबाइल पर देखो, और वो आप उतने फीचर्स आराम से निकाल ले जाओगे। मैंने कई बार ऐसा किया भी है, खासकर कमीशन आर्टवर्क में ऐसा कई बार होता है कि कोई इमेज ही नहीं होती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वही तरीका। आप उसकी पिक ले लो, फ़ोटो ले लो, और फिर वहाँ से आप फीचर्स आराम से समझ पाओगे। तो फ़िलहाल इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो वाकई में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम समझेंगे इसकी शेडिंग के बारे में, और शेडिंग कैसे करनी है, और क्रॉस हैचिंग्स करते हुए कैसे पोर्ट्रेट को फिनिश करते हैं, इसी बारे में बात करेंगे। उसकी थोड़ी सी ग्लिम्स यहाँ पे देख लो, इस वीडियो पे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब फिनिश करेंगे, तो बहुत अच्छे से डिटेल निकालेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।